इन पक्षियों का दिखना होता है शुभ संकेत। घर में चिड़िया का घोंसला बनाना क्या होता है शुभ? घर के आसपास उल्लू का दिखना शुभ है या अशुभ? हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ प्रकृति में विद्यमान पशु पक्षी पेड़ पौधे इत्यादि को भी पूजनीय माना गया है। इतना ही नहीं, कई पशु पक्षी देवताओं के वाहन भी हैं, जैसे हंस माँ सरस्वती का वाहन है, वहीं शेर माँ दुर्गा का वाहन, विष्णु जी का वाहन गरुड़ है और शनिदेव का वाहन कौवा है, शिव का वाहन बैल है। शास्त्रों के अनुसार गाय और कुत्ते और पक्षियों को रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यही नहीं, पक्षी हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत भी देते हैं। शकुन शास्त्र में इन पशु पक्षियों का खास अवसर पर दिखना शुभ अशुभ संकेतों की ओर इंगित करता है। इसके अलावा उनका आध्यात्मिक महत्व भी बहुत अधिक और सभी से अलग है। अपने नाजुक पंखों के सहारे जमीन छोड़कर ऊपर उड़ना, खुले आकाश तक अपनी आवाज पहुंचाना, कहीं ना कहीं ये हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमें भी अपनी समस्याओं और भौतिक जीवन के झंझटों से ऊपर उठकर अपने लिए एक नए आसमान की तलाश करनी चाहिए। कई बार पक्षी हमारे लिए एक खास आध्यात्मिक संदेश लेकर आते हैं, और जो लोग अलौकिक शक्तियों और उनके होने जैसी बातों पर भरोसा करते हैं वो ये बात अच्छी तरह समझते हैं। घर के आंगन में अचानक पक्षी आने लग जाए तो शुभ माना जाता है। पक्षियों की चहचहाट से मन प्रफुल्लित हो जाता है। पक्षियों की चहचहाट में कई संदेश छुपे होते हैं। आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में। माना जाता है कि अगर घर में अचानक तोता आ जाए तो ये धन लाभ होने का संकेत देता है। अगर आपके घर में कौवा दिखाई दे तो ये किसी मेहमान के आने का संकेत देता है। कौवों के आचरण में भी अनेक शुभ अशुभ संकेत होते हैं। कौवा यदि किसी मनुष्य के मस्तक पर अथवा कंधे पर बैठ जाता है तो संबंधित मनुष्य को धनहानि होती है या मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन है। कहते हैं कि अगर आपको कभी घर के आसपास उल्लू दिखाई दे तो इसका संकेत है कि कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आपके घर में चिड़िया घोंसला बना ले तो समझ लो घर में जल्द ही खुशियां आने वाली हैं। इससे घर में आने वाली बाधा टलती है। सफेद कबूतर शांति का प्रतीक होता है। कबूतर का वाहन आसन और शैया पर बैठना तथा घर में प्रवेश करना मनुष्य के लिए शुभ माना गया है। सफेद कबूतर का फल एक वर्ष में, चितकबरे कबूतर का फल 6 महीने में और धूम्र वर्ण के कबूतर का फल तुरंत ही मिलता है। रात्रि में मुर्गे की बांग को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के स्वर अशुभ माने गए हैं। सारस पक्षी का जोड़ा अगर एक साथ शोर मचाने लगे तो शुभ माना गया है। चील शक्ति और अधिकार को दर्शाते हैं और बतख या हंस आपको बदलाव या कभी ना समाप्त होने वाले प्रेम की तरफ इशारा करते हैं। हंस का दर्शन तथा पंखों का फड़फड़ाना कार्य सिद्धि का द्योतक माना गया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार आपके घर में किसी चमगादड़ का आना अशुभ संकेत माना जाता है। वही चमगादड़ अगर आपके घर में रुककर अपना घर बना ले तो इसे एक शुभ संकेत माना जाता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर उनके जीवन में किसी पक्षी ने बीट ना की हो। अगर की भी हो तो लोग झल्ला जाते हैं, मगर आपको बता दें यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। नीलकंठ का सामने से मिलना, प्रकट होना कार्य सिद्धि और यश प्राप्ति का सूचक है। तो ये थे शकुन शास्त्र में बताए गए कुछ शकुन अपशकुन पक्षियों से जुड़े हुए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।